पुराने समय से जो चला आ रहा है उसका एक एक्सटेंशन है जो न जाने क्यों अभी तक के समय में चल रहा है। इसका कोई भी रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं है। लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, माने कि जब पीरियड चल भी रहा हो उस टाइम पे भी जो है कुछ लड़कियों को थोड़ा सा हो सकता है तकलीफ हो कुछ समय के लिए, पहले दिन दूसरे दिन, लेकिन अदरवाइज नॉर्मली हम अपने सभी काम कर सकते हैं। हम प्रोटेस्ट में जाते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोग कितनी सारी लड़कियाँ पायलट बनती हैं आजकल, सारे काम, ऐसा कोई काम नहीं है जो आप उस वक्त में नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसका जो कारण है वो महिलाओं को कहीं ना कहीं एक नीचा दिलाने के उससे किया जाता है इंटेंशन से, ताकि उनको एक सेकेंड क्लास स्टेटस में रिलीगेट किया जाए, कि आप जो है इस तरह का स्टिग्मा क्रिएट कर दिया जाता है कि कुछ इम्प्योर है आपके बारे में, कुछ अपने आप को वो इम्प्योर समझे कि हम लोग पुरोहित क्यों नहीं बन सकते, हम लोग मौलवी क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे अंदर ये इस तरह का कुछ कमी है, इस तरह का कुछ बायोलॉजिकल डिफेक्ट के तरह उसको दिखाया जाता है, जबकि हम लोग जानते हैं कि कितना नॉर्मल प्रोसेस है ये, किसी भी मतलब कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस में आता है ये, और एकदम नॉर्मल टाइप का बात है। ये इम्प्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, उसको इस्तेमाल किया जाता है पर्टिकुलर ग्रुप्स को, जो कि औरतें हो सकती है, जो दलित हो सकते हैं, कोई और हो सकता है, उनको एक सेकेंड क्लास स्टेटस में बंद करने के लिए। लड़कियों ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, खासकर छोटे शहरों में। आप भी कश्मीर से आई हुई हैं, आपने इस चीज़ को कैसे ब्रेक किया, अगर ब्रेक किया हो? नहीं देखिए, होता ही है, क्योंकि घर में आपको सिखाया जाता है कि ये कुछ ऐसी एक बात है जो एकदम कानाफूसी में होती है, जो एकदम खुल के इसके बारे में बात नहीं होती है। लेकिन क्या होता है कि कई बार, जैसे मेरे केस में क्या हुआ कि कई बार दिक्कतें हुई, पेन हुआ इस टाइप से, तो उस वक्त मुझे अपने फादर को इन्वॉल्व करना पड़ा, उनको बोलना पड़ा कि इस तरह का दिक्कत है, और मतलब कुछ नहीं हुआ उससे, आसमान नहीं टूट पड़ा कि अगर ये बात जो है कानाफूसी से बाहर आ गई, उससे ऐसा कुछ होता नहीं है, बल्कि उल्टा मेरे फादर आए, मेरे स्कूल से लेकर के गए, मेरा मदद किया। इस तरह का मैंने ये अननेसेसरी जो है ये बनाया गया है कि कुछ बड़ा भयानक हो जाएगा, ये हमें लगता है कि एकदम नॉर्मल प्रोसेस है, और पेरेंट्स तो जानते ही हैं, पेरेंट्स तो मतलब बचपन से ही हम लोगों को देखते हैं हर किसी वल्नरेबल कंडीशन में, तो इसमें कोई उतना बड़ा बात नहीं होना चाहिए। और इसके इर्द गिर्द जो साइलेंस है, जो इतना खामोशी का ये कल्चर बना दिया गया है, उसको कहीं ना कहीं तोड़ने की ज़रूरत है। प्रोग्रेसिव वूमेन, आप कोई प्रोटेस्ट या कोई एक कैंपेन इस तरीके के चलाने के बारे में सोचती हैं? देखिए, हमारा क्योंकि मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हूँ, तो वहाँ पर हम लोगों ने सैनिटरी पैड डिस्पेंसर लगवाने के लिए हम लोगों ने काफ़ी बड़ा जो है आंदोलन कई साल चला, लेकिन एक टैबू तरीके का था, लोग सोच रहे थे कि अरे किस तरह से खुले में जो है आप सैनिटरी पैड वहाँ से मशीन से लेंगे, लेकिन हम लोगों ने उस चीज़ को तोड़ा, और अभी अगर आप जेएनयू में जाएँ वहाँ पे 3-4 जगह पर सैनिटरी पैड डिस्पेंसर लगे हुए हैं, किसी भी, क्योंकि ये महिलाओं की मोबिलिटी का सवाल है, ये आपको हमेशा, अगर आप क्लास में हैं, आपको अगर हॉस्टल जाना पड़ेगा उसमें आपका क्लास मिस हो जाएगा, इतने में उससे अच्छा है आपके स्कूल के बाहर ही अब जो है लगा हुआ है, और आप वहाँ से उसमें कुछ पॉइंट डालकर आप सैनिटरी पैड जो है यूज़ कर सकते हैं। ये साफ साफ महिलाओं की मोबिलिटी का सवाल है, और इसी तरह का सवाल है जैसे पब्लिक प्लेस में टॉयलेट्स होना, अगर आप कहीं सड़क पर चल रही हैं तो वहाँ पर कोई टॉयलेट ही नहीं है औरतों के लिए, ये भी उनकी मोबिलिटी का सवाल है। तो इसको लेकर कई सारी जगह पर, जैसे अगर आप देखें पैड्स अगेंस्ट सेक्सिज्म जो प्रोटेस्ट है, वो मतलब दुनिया की कई सारी जगहों में चला, जर्मनी से शुरू हुआ, जेएनयू में भी कई लोगों ने उसको किया कि मतलब ओपन में आप जो पोस्टर लगाते हैं उस पर आप सैनिटरी पैड लगाते हैं एक कैप्शन के साथ में कि मेरे बारे में साइलेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, ये खुले में है और सब लोग जानते हैं कि इस तरह का प्रोसेस होता है।